और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कर्फ्यू में रियायत मिलने के बाद कॉफी हाउस ने अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कॉफी हाउस ने कर्फ्यू में छूट के घंटों के दौरान आसपास की जगहों में भोजन आपूर्ति करने के लिए पार्सल सेवा भी शुरू की। बता दें कि हिमाचल प्रदेश अभी भी पूरा बाजार खोलने के लिए इंतजार कर रहा है। हालांकि शिमला के उपायुक्त ने कर्फ्यू में 7 से 8 घंटे तक की छूट दी है। कॉफी हाउस के प्रबंधकों का ये कहना है कि कर्फ्यू के दौरान कॉफी हाउस सोसाइटी को करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। दरअसल ये कॉफी हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि यहाँ लॉकडाउन की वजह से काफी नुकसान झेल रही है, बहरहाल अब कॉफी हाउस सोसाइटी की तरफ से एक सेवाएं शुरू कर दी गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए।